हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद अच्छे हैं। तो चलिए, आज मैं जा रही हूँ दिवाली स्पेशल मिठाई बनाने, पीनट बर्फी, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी के लगभग बादाम ले लिए हैं, ये थोड़ा सा चीनी है, मैंने एक कटोरी से थोड़े से कम चीनी लिए है, इसी मात्रा में आप भी ले लें। यहाँ मैंने कुछ इलायची ली है जिसे मैं कूट लूँगी, और यहाँ कुछ किशमिश डेकोरेशन के लिए। तो चलिए, मैं गैस ऑन करती हूँ, कढ़ाई गैस, इसमें आप सूखा भी इसे अच्छे से भूने, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे भूनने में। इस तरह से आप इसे भूनिए, बराबर से चलाते रहे, तेज भून ना करें, क्योंकि अच्छे से भूनने में इसे हमें छिलके हटाने हैं। इस तरह से आप इसे भूनते रहें, आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुके हैं। इसी तरह से आप भी भूनिए। अब इसे कढ़ाई से निकाल, इसे कॉटन के टॉवल पर थोड़ा ले लें, कोई भी कपड़े से ले करके इसे अच्छे से इस तरह से इसको बंद कर दें, इस तरह से इसको ठप करके इस तरह से ढकन पर इस तरह से इसके पूरे छिलके आप हटा लें। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने करके इसे पूरे अच्छे से इसका पूरा छिलका हटा लिया है। आप भी देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब इसे छन्नी से आप छान लें, आप इस तरह के छन्नी से भी इसे कर लेंगे, इसके सारे छिलके आपके निकल जाएंगे। थोड़े बहुत ही तो नहीं निकले हैं, उसे भी आप इसी वापस से निकाल लें इस छिलके को। आप चाहें तो इस वाली छन्नी से छान करके आप इसका छिलका हटा सकते हैं, या आप इस तरह के भी टोकरी जो आती है पतली जाली वाली उससे भी कर सकते हैं, या आटे छानने के लिए जो छन्नी आती है उस तरह से भी आप इसे बिल्कुल से ठंडा होने दें। आप चाहें तो भारी तले के कटोरी से भी, भारी तले के कटोरी से इसको इस तरह से दबा देगा, जिससे दाने दाने दो तरह के दाने दाने हो जाए। ये बहुत ही नॉर्मल मिल्क पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का इतना टेस्टी और यम्मी होता है ये मिठाई। क्या आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो 2 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसको अब महीन पाउडर बना लें मिक्सी जार में डाल के। इसी तरह का दरदरा आप भी फाइन पाउडर बना लें, और इसे अच्छे से छान लें छन्नी की सहायता से। इस तरह से देख सकते हैं, पूरा फाइन पाउडर होना चाहिए। इस तरह से आप भी पूरे, और इसको और मैं इसमें जो बचेगा उसे मैं और कर लूँगी, छान लूँगी। और ऐसे आप मिक्सी में डाल करके और भी इस तरह से ग्राइंड कर लें। तो चलिए, मैं ग्राइंड, आप देख सकते हैं मैंने पूरे फाइन पाउडर बना लिए हैं इसके। इसी तरह से आप भी बना लें। इधर मैंने कढ़ाई गर्म कर लिए है, इसमें 2 चम्मच के लगभग आप पानी ऐड करें, 2 चम्मच के लगभग पानी है। इस तरह से आप ऐड कर लें, और इसे धीमी को धीमी धीमी फ्लेम पर बराबर से चलाते हुए इसे काफी बना इसकी मैंने फ्लेम को धीमा रखा है। अच्छे से धोखा से चिपचिपा होगा, तब जाकर के आप इसे धीरे धीरे बराबर से चलाते रहेंगे। इसमें इलायची का दाना है वो भी इसमें ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्टी और टेस्टी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। बाकी सबको कई तरह से चीनी डाल चुका है, और आप इसे धोखा से लेकर के चिपचिपा देखिए, धोखा चिपचिपा हो जाए तक इसको बंद कर दीजिए इस तरह से। और इसमें आप थोड़े थोड़े करके पीनट पाउडर डाल डाल करके इसे मिलाइए अच्छे से। इसके मन में इतनी टेस्टी और यम्मी मिठाई होती है। अक्सर हम लोग दिवाली में सारे चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मिठाई की अपने घर पर शुद्ध मिलावटी आजकल बहुत मिठाइयाँ मिलती हैं, जिससे आप अपने घर पर इससे अच्छा सा बनाए बहुत ही कम। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे से मिलाते हुए फिर से गैस ऑन करके इसे अच्छे से मिलाइए। इसके बाद में आप इधर देख सकते हैं,
पॉलिथीन को ग्रीस कर लिया है घी से, इसी तरह से आप भी ग्रीस कर लें। बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप लोग को बता सकते हैं। बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, इस प्रोसेस में आप गैस को बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दीजिए। मैंने इसे कढ़ाई को उतार करके अच्छे से इसे और हल्का सा लगा लें, इसको बराबर से इस तरह से करके बराबर से इस तरह से करके उसके बाद में जल्दी ये काम बहुत ही जल्दी आप करें। इस तरह से तैयार तो आप हाथ से लीजिए, इस तरह से नायक खींच करके बराबर से कर लें। चलिए और गर्म लीजिए इसके ऊपर, इस तरह से कर देंगे। इस तरह से बेलन से आप इसे इस तरह से चला करके बराबर में कर लें, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आप भी करें, इसी टाइम पे आप पटरी इसमें लगा लें। इस तरह से आप देख सकते हैं बर्फी के डिजाइन का कट कर लें इस तरह से, तो ज़्यादा आसान देख रहे हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका ये तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसे आप भी कट लगा लें और बीच बीच में मैं अभी किशमिश से इसे डेकोरेट करूँगी, देख सकते हैं। इस तरह से आप भी इस तरह से बीच बीच में किशमिश आप डालते, देखिए कितनी जल्दी ये टाइट हो जाता है। ना फ्रिज की ज़रूरत है इसमें, ना कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत है। आप घर पे कितनी आसानी से, देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये बन जाता है। आप भी इसी तरह से बनाएं अपने घर पे। और कैसा लगा वीडियो, इस दिवाली आप लोग ज़रूर ये मिठाई एक बार बनाएं और अपने घर की शुद्ध हर चीज़ आप लोग अपने माता रानी को भोग लगाए, लक्ष्मी गणपति को। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये मिठाई बनती है, देख सकते हैं। इस तरह से आप भी बनाएं, आप भी इस दिवाली ये मिठाई बनाइए और इन्जॉय कीजिए। कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।